नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज जिस बिजनेस की मैं बात करने वाली हूं वो बहुत ज़्यादा चलने वाला है, ऑटो रिपेयरिंग का बिजनेस। अब इस बिजनेस में क्या खास बात है, क्या कुछ चीज़ें हैं आपको मद्देनजर रखनी होंगी अगर आप ये बिज़नेस खोलना चाहते हैं, वो तमाम बातें आपको डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई खास वीडियो आप देखना चाहते हैं बिज़नेस को लेकर, तो प्लीज़ आप हमें वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज क्योंकि हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल बिज़नेस के बारे में, यानी कि गाड़ियों के जो वाहन होते हैं उनकी रिपेयरिंग के बारे में, तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग ही करानी होती है मान लीजिए, तो वो सर्विसिंग उसी वक्त नहीं हो जाती, कई घंटे या फिर कुछ दिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है। यानी कि ऑलरेडी इतना सारा काम है कि आपको वेट करना पड़ता है, आप वेटिंग में होते हैं। वैसे ही जब रिपेयरिंग की बारी आती है, गाड़ी को रिपेयर करना है, स्कूटर को रिपेयर करना है, किसी भी वाहन को रिपेयर करना है, तो वो आपसे कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों की मोहलत मांगते हैं। दिन शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, कुछ दिनों बाद वो आपको गाड़ी देते हैं रिपेयर करके। तो आप सोचिए कि इस बिज़नेस में कितना ज़्यादा आपको मुनाफा हो सकता है, कितने ग्राहक आपके बन सकते हैं। और गाड़ी स्कूटर ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पर आजकल हर किसी के घर में मिल जाती है, तो ऐसे में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी होंगी, क्या है वो बातें देखिए। बिज़नेस शुरू करने से पहले बिज़नेस प्लान बनाएं। जब आपके मन में ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस का आइडिया आ ही गया है और आप उस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। इस बिजनेस प्लान में आपको ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के लिए गैराज की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद सेंटर में लगने वाली लागत की पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, कुशल कर्मचारियों को देने वाली सैलरी, मार्केटिंग का खर्चा, पानी बिजली का खर्चा, औजारों मशीनों का खर्चा आदि के अलावा बिजनेस के प्रत्येक महत्वपूर्ण खर्चों को बिजनेस प्लान में जिक्र होना चाहिए। साथ ही रिपेयरिंग सेंटर को चलाने के लिए पूरा हिसाब किताब भी बिजनेस प्लान में होना चाहिए। इससे आपको बिजनेस शुरू करने में काफी सुविधा होगी, बिजनेस भी कामयाब होगा। हाँ, यदि आप बिजनेस प्लान स्वयं नहीं बना सकते हैं तो अपने परिचित या दूर दराज के किसी बिजनेसमैन से जानकारी लेकर ये बिजनेस प्लान बना सकते हैं। सही लोकेशन का चयन करें। बिजनेस प्लान बनाने के बाद आपको ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के लिए अच्छी लोकेशन तलाशनी होगी। अच्छी लोकेशन ही इस बिजनेस की असली जान है। इसके अलावा आप उस क्षेत्र में सेंटर ना खोलें जहां पहले से कोई अच्छा खासा रिपेयरिंग सेंटर चल रहा हो। इसलिए आपको थोड़ा सोच समझकर थोड़ी महंगी लेकिन अच्छा बिजनेस देने वाली जगह तलाशनी होगी। इस तरह की ये जगहें हो सकती हैं प्रमुख: पेट्रोल पंप के आसपास, पार्किंग के आसपास, ट्रांसपोर्ट हब के आसपास, बड़े बस स्टॉप के आसपास, पॉश कॉलोनीज के आसपास, एजुकेशन हब के आसपास, कोर्ट कचहरी के आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास। अनुभव भी चाहिए। ऑटोमोबाइल रिपेयर सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए इस लाइन का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव है तो बहुत अच्छा है। यदि आप स्वयं ये काम करना चाहते हैं तो विभिन्न एजुकेशन सेंटर्स में इसका कोर्स करके अनुभव ले सकते हैं। यदि आप मालिक बनकर काम करना चाहते हैं तो आपको अच्छे कुशल कारीगर सैलरी पर रखने होंगे। इन कारीगरों का चयन बहुत ही सुविधापूर्वक करना होगा क्योंकि ये पूरा व्यवसाय सर्विस पर ही आधारित है। औजार और उपकरण। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में औजार और उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इस कारोबार को शुरू करने वाले को अच्छे टूल्स रखने चाहिए। इसके लिए टूल रूम बनाना होगा जहां पर सारे औजार और उपकरण करीने से सजा कर रखे जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएं। आप चाहें तो ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के बिजनेस में काम आने वाले छोटे औजार जैसे रिंच, एयर टूल सस्ते ले सकते हैं, लेकिन एक साथ कई कई सेट लेने होंगे। लेकिन जैक, व्हील बैलेंसर, ब्रेकलेट जैसे बड़े उपकरण सस्ते नहीं खरीदने चाहिए, ये महंगे और ब्रांडेड कंपनी से ही खरीदने चाहिए। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग में कौन कौन सी सर्विस शामिल होती है इस कारोबार में: कार या वाहनों की धुलाई, हॉर्न लाइट की मरम्मत का कार्य, इंजन एक्सीलेटर गियर शॉकर रिपेयर, कार और अन्य वाहनों में लगे एसी के रिपेयरिंग, व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट आदि, ऑयल बदलने की सर्विस जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल और स्टेयरिंग ऑयल आदि, कार की पॉलिशिंग सर्विस, बैटरी सर्विस आदि। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग में काम आने वाले औजार: स्क्रू ड्राइवर्स का सेट, हथौड़े का सेट, टोक रिंच, शाफ्ट रिंच, हेक्स रिंच, इम्पैक्ट रिंच, ऑयल फिल्टर रिंच, ऑयल ड्रिप पैन, बोल्ट एक्सट्रैक्टर्स, पी बार, कॉर्डलेस ड्रिल, फ्यूज, विद्युत टेप, वाइस ग्रिप्स, सरोता, एलन और टॉकर्स बिट्स, पनेल, बेंच, जैक स्टैंड, रैंप्स,
बैटरी चार्जर और जम्पर। इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए? उद्योग विभाग में फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं, जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, लोकल अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस लें, प्रदूषण नियंत्रक विभाग से लाइसेंस बनवाना होगा, एमएसएमई एएसआई से रजिस्ट्रेशन कराएं, ट्रेडमार्क से अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं। इस बिजनेस को शुरू करने में कितनी लागत आ सकती है? ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोलने में कितनी लागत आती है? ये बिजनेसमैन द्वारा चुने गए बिजनेस लेवल पर निर्भर करता है। ये बिजनेस 3 लेवल पर किया जा सकता है, छोटा, मीडियम, बड़ा। छोटे और मीडियम लेवल पर बिजनेस में लागत। इसमें छोटे और मीडियम लेवल पर बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों की लागत 1 लाख से 5 लाख के आसपास आ सकती है। इसके अलावा इन दोनों तरह के बिजनेस के गैरेज के लिए 1500 से 2000 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। इसकी कीमत विभिन्न शहरों की विभिन्न लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। इसके अलावा काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी और बिजली पानी का खर्चा मिलाकर छोटे और मीडियम लेवल पर बिजनेस शुरू करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक की लागत आ सकती है। बड़े लेवल पर बिजनेस की लागत। बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करने के लिए 3000 वर्ग फीट की जगह चाहिए। इतने बड़े बिजनेस के लिए टूल्स वगैरह पर 25 लाख रुपए तक का खर्च हो सकता है। इस बिजनेस में यदि आपकी जमीन और आप स्वयं मैकेनिक हैं तो कम खर्च आएगा, वरना आपके कर्मचारियों को सैलरी भी देनी पड़ेगी, बिजली पानी का खर्चा भी उठाना होगा। होने वाले सभी खर्चे जोड़ लिए जाएं तो इस बिजनेस शुरू करने में 50 से 60 लाख रुपए की लागत लगेगी। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस में मुनाफा कितना हो सकता है? इस बिजनेस को शुरू करने में पहली बार अधिक लागत लगती है, इसलिए पहले वर्ष में मुनाफे की उम्मीद करना सही नहीं होगा। पहले वर्ष में बिजनेस जम जाने और आपकी टूल्स पर लगाई गई लागत वापस आने के बाद मुनाफा भी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुनाफा बढ़ता जाएगा। पहले वर्ष में यदि मुनाफा आपको 5% भी जाए तो उसे बोनस ही समझना चाहिए। दूसरे वर्ष से ये बिजनेस आपको 20 से 30% तक मुनाफा देगा। इसके बाद ये मुनाफा 50 से 60% तक पहुंच सकता है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।